इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जोशीमठ में अब तक 600 घरों में दरार आई है। प्रशासन ने घरों को चिन्हित किया है, दो होटल को भी सीज किया गया है। घरों में दरारें पड़ने से कई परिवारों ने घर छोड़ा है। जोशीमठ में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को बताया जा रहा है। वजह आपको वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये दरारें आप देख सकते हैं किस तरह से दरारें आने के बाद परिवार जो है वो दहशत में है, डर सता रहा है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां सिर्फ दरार नजर आ रही है, चाहे वो घर की दीवारें हो या चौखट हो, आप देख सकते हैं कि दरारें पड़ी हुई है। जोशीमठ में 600 घरों का जो तस्वीर है, 600 घरों में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। ये मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं। घरों में दरारें बढ़ने से कई परिवार परेशान हैं। प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है मदद की। चमोली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के कारण बताया जा रहा है कि इस तरह की दरारें जो है करीब करीब 600 घरों में देखने को मिल रहा है। दो होटल को भी सीज किया गया है। चमोली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 600 घरों की इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जोशीमठ में अब तक 600 घरों में ये मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। प्रशासन ने घरों को चिन्हित किया है। सुरेंद्र रावत इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये दरारें कहीं ना कहीं बड़े हादसे की ओर संकेत देती हुई? बिल्कुल, जोशीमठ के अगर हालात की बात करें तो लगभग 700 घरों पे दरारें आ चुकी हैं। प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया है और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि शीतकाल के दौरान बर्फबारी वाला जो क्षेत्र है जोशीमठ का, उन परिवारों को सुरक्षित जगहों पे कैसे ठहराया जाए। हालांकि अभी शासन स्तर पे भूगर्भीय जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अन्य टीमों को भी जोशीमठ में जाने के लिए सीएम द्वारा निर्देशित किया गया है। देखने वाली बात होगी कि जोशीमठ को बचाने के लिए किस तरह से सरकार, प्रशासन और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि। सुरेंद्र, एक चीज और यहाँ पर क्लियर करिएगा, इस जोशीमठ में अगर बात की जाए 600 घर ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, क्या इसके अलावा और भी घर हैं जहाँ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से जो लगातार दरारें पूरे जोशीमठ के सभी वार्डो में बढ़ती जा रही हैं और एक के बाद एक घर इस दरार की चपेट मारा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डरावनी एक तस्वीर सामने आ सकती है अगर समय पे इन चीजों का समाधान नहीं किया गया। क्या इन घरों को खाली करा दिया गया है? बिल्कुल, अभी तक प्रशासन की ओर से केवल चिन्हित करा गया है। हालांकि बहुत ही जोखिम में लोग रह रहे हैं अपने घरों में, और प्रशासन अभी सिर्फ चिन्हित कर रहा है। उसके बाद प्रशासन का कहना है कि शासन स्तर से अगर जिस तरह के निर्देश होंगे तो इन लोगों को सुरक्षित स्थानों से रखा जाएगा। हालांकि दो जो होटल हैं, पांच मंजिला जो दो होटल थे, उन्हें सीज कर दिया गया है क्योंकि दोनों ही होटल पूरे झुक गए हैं। तो कहीं ना कहीं खतरे का बहुत बड़ा एक आभास अब लोगों को हो रहा है। बिल्कुल, प्रशासन को यहाँ पर जागना होगा, जिम्मेदारी समझनी होगी कि कोई बड़ा हादसा हो उससे पहले लोगों को, परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे वाराणसी से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां महिला वकील को थाने